हेलो गाइस, क्या हाल चाल। फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और यहां पर देख सकते हैं मेरे पास आज देखने के लिए आपके इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करने वाला हूं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये मैंने हमारे देखना सेफ ने क्या कर दिया। सेफ इसमें ब्लांच कर रहे हैं। सेफ ब्लांच कर रहे हैं। किस चीज़ को ब्लांच कर रहे हैं सेफ? कैरेट को ब्लांच करने का एक अद्भुत तरीका को यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर कैरेट को ब्लांच किया जा रहा है। इसमें क्या क्या डाल के कैसे ब्लांच किया जा रहा है इसे? इसमें शुगर डालेंगे और विनीगर डालेंगे। शुगर और विनीगर डालेंगे। पहले पानी को उबालेंगे। पानी को उबालते हुए उसके बाद शुगर और विनीगर को डालते हुए कैरेट को ब्लांच करने का तरीका इस प्रकार से जो कि हमारे शेफ ने किया है देख सकते हैं। ये चॉपस्टिक की मदद से उसे धीरे धीरे उसे देख रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या हो चुकी है और वो उसकी कंडीशन क्या है इसको देख रहे हैं। गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ जो कि मेरे थोड़ा सा मुझसे हट के अलग काम को मैं देखने जा रहा हूँ, क्योंकि इस लाइन में काफ़ी ऐसे कार्य होते हैं जो कि हम जानते नहीं हैं, कभी हम लोग उस चीज़ को देखे नहीं होते हैं। और मेरे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि यहाँ पर मेरे साथ साथ आपको भी यहाँ पर नया सेफ के साथ एक नया वीडियो के माध्यम से एक नई चीज़ सीखने का अद्भुत मौका आपको मिल रहा है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ। थैंक यू गाइस, आप यहाँ पर देखना। और जो कि यहाँ पर कर रहे हैं एक सी फूड को एक अच्छे तरीके से सफाई करने से लेकर इसकी कटिंग को कैसे किया जाता है और उसको क्लीन कैसे किया जाता है आप देख रहे हैं। बहुत अच्छे से देखना। और ये आपके जीवन में यदि आप होटल में, रेस्टोरेंट में, घर में आप कुक हैं, शेफ हैं, आप कोई भी है, एक माता है, बहन है, आपको खाना बनाने के एक शौकीन हो, तो आपको यहाँ वीडियो बहुत लाभदायक हो सकती है। हमेशा अपनी हाथों को क्लीन करें। हमेशा अपनी जो भी जिस भी चीज़ को आप प्रयोग करते हैं उस चीज़ को आप सर सफाई से बिल्कुल रखें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे शेफ ने बहुत ही इसको हाइजीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ये क्या बनाया है शेफ आपने? ये अभी डिमसिम बनाया है शेफ ने। देख लो डिमसम, यहाँ पे बहुत बेहतरीन डिमसम, जैसे कि सेब दावा कर चुके हैं कि यही डिमसम है। ये कौन सा डिमसम है सेब? ठीक है, ये हमने अभी कौन सा डिमसम बनाया है सेब? हाँ जी, वेज डिमसम बनाया है। ठीक है गाइस, जैसे कि शेफ ने अभी यहाँ पर देखा कि आपने ब्लांच कियो है कैरेट को, एक बहुत साफ सुथरा बर्तन में छाना है उसको। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखना आपको बाकी है और मैं इनसे रूबरू करा दूँ कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये कैरेट है, ये रेड चिल्ली है, ये ग्रीन चिल्ली है, ये कौन सा जिंजर है कि गार्लिक है? गार्लिक है, ये है थाई जिंजर है, थाई जिंजर है, गार्लिक है, लेमन ग्रास है और कैरेट है और मैनी थिंग्स, बहुत कुछ यहाँ पर है आपको देखने की और जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देख लो गाइस, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या डाल दिया सेफ उसमें? कुकुम्बर, जो कि हम ककड़ी बोलते हैं, खीरा बोलते हैं, कांकरो बोलते हैं, हम लोग कुछ भी इसको बोल सकते हैं अपनी अपनी भाषा में। एक बोलने का तरीका अलग हो सकता है पर जो चीज़ है वो सामान एक ही चीज़ है। हमारा वाक्य अलग हो सकते हैं, जो चीज़ आपको वही मिलेगा। और उसको भी आप कैसे क्या कर रहे हैं सेफ? उसको ब्लांच ही कर रहे हैं। हाँ, उसको ककड़ी को, खीरे को और इसको ब्लांच करने का तरीका आपने क्या डाल के ब्लांच किया सेफ उसमें? इसमें भी वही शुगर, चीनी, डरे नहीं, चीनी का नाम लेते ही आजकल हमारे भारत में बहुत लोग डरते हैं कि चीनी खाने से इंसान बीमार पड़ जाता है,
और यहाँ की शुगर भी हो जाता है ऐसा भी मानना है, पर ऐसा कतई नहीं है। लिमिट में करें जो भी करना है, और डॉक्टर की सलाह में करें। आपने डॉक्टर की सलाह में करें, जो कि थोड़ा सा हल्का लाइट चीनी तो आपको कुछ नहीं करेगा, और चीनी शुगर भी इंसान को लेना चाहिए, और बहुत हद तक नहीं, काफ़ी हद तक नहीं, आप लाइटली शुगर भी ले सकते हैं, पर आपने डॉक्टर के अपने रेख देख में ही ले। मुझे लगता है कि शेफ ने डिमसम तैयार कर दी है ना, रेडी हो गए ना। ये देख लो तरीका, ये प्रॉन सीफूड। आप कौन सा अभी खाना बनाने वाले हैं इनसे? ये बंद करना भाई, इसको गाना बंद कर देना जरा संदीप, गाना बंद कर देना। क्या क्या चीज बनाएंगे हम अभी इससे, जो कि हमने ब्लांच किया है उससे? इसको बनाएंगे हम सुशी। ठीक है, कौन सा सुशी बनाने वाले हैं? अभी बनाएंगे, देखते हैं, तैयार कर रहे हैं मटेरियल। ठीक है, अभी बनाएंगे, बताएंगे बाद में। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पर सामान सेफ ने रेडी कर दिया है, जब बनेगा तो तब बता देंगे और दिखा देंगे कि हम क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। वो सभी चीज़ें यहाँ पर देख ली जाएगी। और संदीप देख ले, ये प्लस पॉइंट है तेरे लिए, तू एक खोपचा में जाके बैठ गया, मेरे को कुछ नहीं है, तू देख ले, कहीं जाएगा तू काम करेगा तो तेरा फायदा होएगा बेटा। यही होती है देखने वाली चीजें। अब तू ये मत बोलना कि मेरे को वो मत करो, ठीक है ना, प्लस पॉइंट है ये। ये बंद कर देना जरा इसको। गाइस, ये अद्भुत तरीका है और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जहाँ तक किसी को सी फूड खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, सी फूड के लवर हो, तो आप इसको, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत प्यारा सा ये सी फूड है और बहुत बेहतरीन है। आप सी फूड के लवर है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लाइक करें बगैर बिल्कुल ना जाए। शेफ ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सी फूड को यहाँ पर तैयार किया है, बहुत ही अद्भुत तरीका है। हाँ, ये क्या चीज़ है शेफ? ये ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्लैक पेपर को इसमें डालकर इसको मैरिनेट कर रहे हैं। मैरिनेट कर रहे हैं गाइस, मैं बता दूं कि ब्लैक पेपर ये क्या है, सॉल्ट, सॉल्ट और ब्लैक पेपर से मैरिनेट कर रहे हैं। पहले आपने ब्लांच किया, कितने मिनट ब्लांच किया शेफ? उबलता हुआ पानी में दो तीन मिनट, दो से लेकर तीन मिनट के बीच में शेफ ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको ब्लांच किया है। ब्लांच करते ही हाथों हाथ शेफ ने इसको मैरिनेट किया है ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट से। दो हाँ, तोड़ के ही दे, काम तोड़ के ही आए। गाइस, अंडा तोड़ने का तरीका भी मैं आज आपको बता ही देता हूँ। बहुत सारी वीडियोस में आपने कहा था कि अंडा कैसे, देख लो यही तरीका है, अंडा तोड़ने का तरीका यही है। गाइस देख लो, टक टक। क्या चाहिए सेफ आपको? गाइस ये किकोमन है, आप किकोमन को देख सकते हैं। आप जापनीज फूड लवर हैं तो किकोमन को आप कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं, कभी भी नहीं भूल सकते। किकोमन आपके जहन में, आपके दिल और दिमाग में पहला शब्द और आखिरी शब्द किकोमन हो सकता है। किकोमन बहुत ही बेहतरीन एक सॉस है, और जापनीज खाना में इसका, इसको बहुत ऊंचे स्तर पर रखा गया है। ये क्या डाल रहे हैं सेफ आप? शुगर। किकोमन और शुगर। कितने अंडे डाले जी? दो अंडे। दो अंडे।
और हम एक क्या बनाने जा रहे हैं? माखी बनाने जा रहे हैं। माखी, कौन सा वाला माखी है? हाँ जी, नूरी माखी। कौन सा? नूरी माखी। नूरी माखी, नूरी माखी बनाने के लिए दो अंडा, एक बार बोलो बोलो, गुस्सा नहीं आएगा। दो अंडा, कीकोमन, शुगर, और बीच में सॉल्ट भी है? सॉल्ट नहीं है। शुगर, कीकोमन, आप बता दी जाओ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मैं ये बोल रहा, काम कैसे चला दूँ? ठीक है, ठीक है, हैं? ठीक है। तो फिर नज़र क्यों लगा रहे? नज़र थोड़ी लगा रहे हम, नज़र ही लग रही है। अभी दो चार दिन से काम, अब जब फिर उठ का आया, फिर तुम फोन लेगा, नू करने लगे, उसमें फिर डाउन हो जाएगा। फिर अभी बीच में कैसे बंद हो गया था काम? तुम मेरी नज़रों से भाग जाओ जल्दी। जल्दी नहीं, मैं ठीक कह रहा था, हाल लगती है। तुम दूर चले जाओ बस। दूर नहीं, मैं ठीक कह रहा, तुम्हारे सूत्र गलत लग रहे हैं मुझे। पहले भी फोन लेकर इधर पे फिर काम लेना चाहती है, फिर काम ही कहा, फिर तुम वीडियो उठा ले। गाइस, 18 साल के बच्चे बिल्कुल ना देखे, यहाँ पर कुछ बलगरिश हो सकता है, कुछ गलत शब्द का प्रयोग हो सकते हैं। 18 साल से नीचे के बच्चे बिल्कुल ना देखे। नहीं, ये जो अंडा हम बना रहे हैं, ये अंडा को क्या बोलते हैं? इसे माखी, MAKI, माखी। गाइस, सिर्फ माखी बनाने जा रहे हैं, अंडा माखी। ठीक है, ये कौन सी भाषा में हुई सिर्फ? जापानीज भाषा में अंडे को माखी बोलते हैं। ओके, माखी। गाइस, हम माखी बनाने जा रहे हैं, अंडे क्या माखी, ये जापनीज भाषा में हुई और ये जापनीज खाना है, इसीलिए सेफ जापनीज खाना बना रहे हैं, इसका नाम है माखी। माखी बनाने का प्रोसीजर आपको पूरा कंप्लीट इसमें मिल रहा है, पूरा A to Z कंप्लीट। अंडा, अंडे को तोड़कर उसमें सॉस को डाल के लेकर उसमें शुगर डाला गया है, कीकोमन डाला गया है, और बस शुगर, कीकोमन, अंडा, एग, अंडा माखी। मैं भी इस शब्द को पहली बार सुन रहा हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था, मेरे लिए कोई आश्चर्यजनक काम हो सकता है और मैं कभी देखा नहीं हूँगा शायद, और शायद है ना, इसीलिए इसको बनाने का प्रोसीजर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है माखी, अंडा माखी। तू जाके खोपचा में बैठ गया था, सीखना है काम, सीखना है साला, कोई घोल के देगा, कैप्सूल घोल के देगा, तेरे को पिलाएगा और सीखेगा तू, सब लोगों के साथ देखने का तभी मालूम पड़ेगा, अंडा माखी बनाने का देख ले। क्या है ये? एक माखी। कौन सी भाषा में बोलते हैं? जापानीज भाषा में। गाइस, अंडा माखी, हाँ अंडा माखी, हाँ तही था सही, अंडा मैकी, एग मैकी, अंडा माखी बना रहे हैं दोस्तों। ठीक हो, अब अपना अपना भाषा हुन्छ नि त हैन, हामीले कुखुराको फुल भन्छौँ त त्यहाँ, माघी भन्दो होला भाइ, यसमा कौन सा दुई रात छँदै छैन, हामीले कुखुराको फुल भनिन्छ हैन, अब इन्डियामा अन्डा दे दो भाइ भन्छन् होइन, त्यहाँ माघी भन्दो होला नि त यसलाई। गाइस, वाओ क्या बात है, अंडा माखी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा, कितना, दो अंडे में आपने कितना शुगर को डाला सेफ? हाँ जी, तीन ग्राम शुगर को डाला है अंडा माखी बनाने के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आज मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल जापान में आया हूँ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, और
मेरे लिए आश्चर्यजनक है और इस खाना से मेरा पहली मुलाकात है लगभग, मुझे लग रहा है। और वीडियो में बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और बताना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अंडा मक्की, दूर रहे दूर रहे, सेफ को काम करने दे। ये मेरे हाथ में जैसे कि यहाँ पर मीजा प्रॉन सी फूड, उसके बाद हम देख सकते हैं कैरेट माकी। माकी तैयार हो चुका है, तैयार हो गया है ना सर लगभग? हाँ, माकी हमने, हमारे शेफ ने माकी बनाया और आपने माकी बनाने का एक तरीका देखा और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से माकी बनाए और बेहतरीन तरीके से माकी बनाकर आपने इंजॉय करें। ओके गुरुबा, कस्तो लागिरहेछ गुरुबा? यो खानासँग चाहिँ पहिला पनि ताल्लुक राख्नु भएको थियो गुरुबा तपाईँले? ठिक, हामीहरूको लागि एउटा बहुतै राम्रो हो, अद्भुत हो यहाँ। ये क्या कर रहे हैं सेब, इसको क्या करना बोलते हैं? नहीं आप थोड़ा उधर रहे क्योंकि आपत्ति आ सकती है, इसीलिए बोल रहा हूँ, है ना? हाँ जी, हाँ जी, याकी मतलब टॉस कर रहे हैं, याकी, याकी मतलब टॉस कर रहे हैं। हाँ, इस कार्य को याकी बोलते हैं और इस जो प्रोसीजर है इसको याकी कहा जाता है जापानीज भाषा में से। ओके, तो बता दें ये याकी हो रहा है अभी, याकी। तो बहुत सारे हमारे बीबर्स ऐसे भी हैं कि कोई कहते हैं देसी घी में भी याकी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये भारत है ना, तो भारत में देसी घी खाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत शौकीन हैं। तो क्या देसी घी में भी याकी कर सकते हैं सेफ? हाँ, जैसे कि यहाँ पर हमारे जापनीज सेफ ने कहा कि देसी घी में भी आपका दिल चाहे तो ज़रूर याकी कर सकते हैं। याकी ये, इसको क्या याकी बोलेंगे सेब आप फिर? प्रॉन याकी? बिल्कुल, मैं भूल चुका था क्योंकि अपने आप पे मैं कहीं खो चुका था आज। हमारा मैडम पनि छ त्यहाँ? छ मैडम, छ कोले गर्ने हो त फेरि? हो, अच्छा अच्छा, ठिक। गाइस, याकी माकी याकी, वसाबी दे दे बाबा, मैले ऊ गरेको छु त्यसलाई। दे दे, यही दे दे, डब्बा ही दे दे, कितना चाहिए ले लेंगे। याकी माकी याकी,
हाँ ये हमारा ही है। अरे दे दे रे गोहन, गोहन दे दे रे के गोहन दे दे बाबा किसी को बनाएगा। रुक जा हाँ जी आ गया हजूर रेडी 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 छ के लाउनुस् केही हालेको छैन नि रेडी छ हाँ जी यही हो है ठीक है ठीक है मैंने देख लिया उसमें बिल में ठीक है। एक चाकू लेके ना संदीप चाकू देख ये यूज कर रहे हैं। हाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने उसमें देख लिया कंपनी की देख ली ठीक है गुस्सा खा गया कौन ये क्या है ये टोमेटो सॉस है ठीक है टोमेटो का वीरा नहीं हुआ रहे हम अब वीरा का नहीं आ रहा है अब यही आ रहा है ठीक है। हाँ जी जानू तो सेब ते जान तो बोला हेर नु हाँ जी आ गए आ गए किस में जी ये क्या है बाबा तो ये छोटा वाला क्यों दिया अरे बाबा यार देखे सुजुका हाँ हाँ कार्स वाली बोतल काम ही आएगी ठीक है जैसा बोलो सर। गाइस नया विनीगर आया है ये है सुजुका चलो उसमें तो कुछ और लिखा है बिल में तो कुछ और लिख दिया साकुरा पता नहीं किसका लिखा हुआ है उसके ऊपर वेस्टर्न मत रखो ना भाई ये नूरी है ना नूरी के ऊपर ये भारी चीज नहीं रखते नूरी है ना ये बहुत कच्ची होती है इसके ऊपर भारी चीज नहीं रखते टूट जाता है फिर बोलोगे मैंने तो नहीं किया है दो चार पाँच के चाहिए बनो पढ़ा लो थोड़ी देर 10 मिनट रुक के बनाते तो बढ़िया क्यों ऐसा मत बोला करो ना क्यों क्या है होटल लग रहा बाकी देख लो दस मिनट रुक के बनाते तो भाई ठीक होता बाकी तुम देख लो कोई आपत है तो बना लो अरे बना बना बनाओ कोई बात आपत है इसको बंद कर दिया बेटा का मैट किधर गया अरे यहाँ इधर मैट था यार नहीं यार इधर मैट था ना रुक कौन नहीं नहीं रुको रुको एक मैट दूसरा था ये नहीं है हाँ नहीं 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 ठीक तो है मैट दूसरा था यहाँ पे ये लो अब देख लो आपको कैसा ठीक लगता है ठीक है ना
ये मैंने आपको सजेस्ट किया है, बाकी आप देख लो गाइस, ये देख लो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जहाँ तक देख लो सेफ ने यहाँ पर बनाया है। ये क्या चीज़ बोला सेफ, इसका नाम क्या बोला आपने? गोहन। गोहन, वाओ, आज आपको गोहन से मिला दिया है मैंने। गोहन 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 पवन सर, हाँ जी, नहीं आया दूध? दूध मैंने देखा नहीं यार, उसको पूछना है दूध है। बताएगा बताएगा, हमारा हमारा शिष्य बताएगा आपको। ओ हेलो, मेरे दिल की धड़कन है दूध। बिना 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 चीनी का निकाल देना, ठीक है? ठीक है, मुझे मुझे पता है। गोहन, और ये क्या चीज़ है सेब? ये नूरी सीट। ये नूरी सीट, ये गोहन, और माकी ईवी ईवी माकी ईवी को गोहन, वाओ। रुको रुको मैं देख देता हूँ, ले गोहन ले ले, गोहन दस लाई टीका लगाऊंगा। हाँ जी सर, नूरी सीट ठीक है, इधर ही रख दो। कौन सा वाला सुशी है सर? हाँ जी, पूरा माकी स्टफिंग किसकी है? राइस की स्टफिंग, तो राइस की अंडा दे ना। वो आया पिकल जिंजर आया, पिकल जिंजर आपकी आई है, उसको जल्दी बोलो सर, वो कहाँ है, कौन सा जगह है, उसको ट्रैक करो सर। थोड़ा उसको खोल दो ना, थोड़ा फोन फान करके उसको देख लो। हैं जी, किधर है वो? एक मिनट रुकिए, एक देख लेते हैं, नहीं तो आप आपत आ जाएगी। नहीं कौन सा माकी बोला था सेफ? पूरा माकी, पूरा माकी दूसरा बंदा ये हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम तो भाई बोतल गाइस, सुशी बनाने का एकदम बेहतरीन तरीका ये जापनीज खाना। आपको इस प्रकार से जापनीज खाना को बनाना होगा, यदि आप जापनीज खाना के फैन हैं तो। बहुत बेहतरीन खाना है, बहुत ही बेहतरीन खाना है, विश्व भर में इसके चर्चे हैं। यदि आप जापनीज खाना के फैन हैं, क्या डाल रहा है इसमें, तो आपको यहाँ खाना, यहाँ वीडियो को जरूर लाइक करे बगैर नहीं जाना होगा। ये हमारे जापनीज शेफ हैं इस वक्त, और गाइस
भाई चेस्टनेट का खोलो एक खुल दे, संदीप है भाई खोलने यार एक चेस्टनेट एक थोड़ा सा दे दे यार खोल खोलो एक ये देना ही खोल दिया ना गाइस तरीका देखो गाइस गाइस आप घर में बना सकते हो वाह क्या बात वन आप दूसरा बना रहे हैं राइस का तेल चाहिए राइस ऑयल नहीं है जी ओलिव ऑयल हाँ ओलिव ऑयल ओलिव ऑयल लगा दो ओलिव ऑयल को हाथ में लगाते हुए देख लीजिए आप जापनीज खाना बनाते हैं तो ओलिव ऑयल को लगाए हाथ में एक मिनट मैं दे देता मेरे साथ आज हमारे पास बहुत सारी ही आई हैं जापनीज क्या इसका नाम क्या बताया हाँ नूरी नूरी गुरु वाला सर्रा पार दिन बंद बंद कर हवा पर गैस कम कर देना सेफ हां जी सेफ गैस कम कर दे पर जी में अरे गैस कम कर दे रे कहां बना रहा चाय कर मैं यहां देख रहा हूं ना मेरे को डिस्टर्ब मत करो यार गाइस ये बन गई पूरा माकी जैसे कि मेरे हाथों में यहाँ पर देख सकते हो ये उरा माकी सेफ ने बनाया है अच्छा ये कौन सा माकी है कौन सा वाला है सोला ये सोला माकी है सोरा माकी ये बनेगा ये उरा माकी बनेगा साइड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सोला पूरा सोला माँ की पिकल था शिवाजी की पिकल था पिकल जापानीज पिकल खाई खाई देख तो शिवाजी की कौन सा शिवा शिवा जुकी भन्नु त मैले नामै सुने होइन त यार यो पिकल कति छ दुई तिनवटा छ जिन्जर जिन्जर छ जिन्जर गाइस हेलो इधर आओ इधर आओ इधर तो आ जा शिवा जुकी हाँ वाह तुम जाओ तुम कहाँ हो तुम देखती नहीं मेरी वीडियो देखती हो रुक जाओ ए चाय पी के जाना इधर कहाँ रहती है आजकल क्या करती है इधर आ जा
गाइस ये एकदम बहुत अद्भुत तरीके से बनाते हुए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मेरा लाइफ का ये पहला दृश्य है जिसको कि मुझे यहाँ सेब को यह इस खाना को बनाते हुए मुझे देखने का बहुत अच्छे से एक मौका मिला है। और साथ साथ में मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, यदि आप भी जापानीज खाना बनाना चाहते हैं या इवन आप जापान जाना चाहते हैं, यदि आप वर्ल्ड वाइड किसी भी देश में आप काम करने की इच्छा रखते हैं या आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं किसी भी होटल और रेस्टोरेंट में जापानीज कुजन में जाना चाहते हैं, तो आप इन जापानीज खाना को आप बनाकर इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं, अथवा आप उत्तम से उत्तम खाना बनाकर अपने नंबर्स अच्छे प्राप्त कर सकते हैं और पा सकते हैं। और बहुत बढ़िया खाना है, मुझे ये जो खाना है इसके बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा तो मैं इसका मैं जानकार नहीं हूँ, पर जो मेरा सीनियर टीम है, जो मेरी एक मैनेजमेंट टीम है, वो इसकी इसको बताएगी कि ये इसका कैसा है क्या है। और मैं बहुत ही इसके बारे में ज़्यादा कहना बिल्कुल भी आपको नहीं चाहूँगा। आप अपनी प्रतिक्रिया को इस कमेंट बॉक्स में पर ज़रूर रखें, और आप कौन सी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं अपनी ओर से वहाँ पर रख सकते हैं, और लाइक बटन को ज़रूर उसमें ठोक सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए मेरे को, गिलास भर देना, ठीक है, भला पतला बना देना कोई बात नहीं मेरा, ठीक है ना, पर भर देना गिलास। गाइस यहाँ अच्छा अच्छा लोनस गाइस सुशी को काटने जा रहे हैं। यहाँ पर काटने का एक तरीका होता है, जैसे कि वहाँ पर हमारे सीनियर टीम उनसे बात करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपस में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। गाइस एक तरीका, अद्भुत तरीका को आप देख रहे हैं, कि कटिंग करने का तरीका जो कि मैं पहली बार ये देखने जा रहा हूं, और आप भी शायद इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी, पर ऐसा वीडियो आपको बहुत पहली बार रियर केस में मिल रही है। लाइव वीडियो है, लाइव मेरे गाइस लाइव वीडियो है, और ये हमारे जापानी शेफ इसको काट रहे हैं। चलो थैंक यू गाइस वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए और मेरे वीडियोस को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू गाइस, आपको जैसा लगता है वैसा करिए। गाइस बहुत अद्भुत तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है गाइस, आपको पहली बार यहाँ पर देखने का मौका मिल रहा है। गाइस आप अरे विमल चेफ इधर आओ, गाइस तरीका देख लो, जापानीज खाना को बनाने का एक अद्भुत तरीका है।
पेरी और कोई नाम छ इसको और कोई नाम पेप्रिका नहीं और हाँ जी मारो मारो ए भाई प्रदीप क्या कर रहे हो जो करने के लिए आप गए हो वो करो ठीक है ना आपको कोई सामान चाहिए उसको निकाल के आप आ जाओ बाहर हाँ आपको कोई चीज चाहिए तो वहां से वो सामान ले आओ और बाहर आ जाओ बस ये चाय चाय ना और सबको डालोगे ना बस हो गया गिलास तो पहले भींगा है उसके बाद वो जग ना वहीं रख देना कोकटेल सॉस हो हाँ कोकटेल सॉस हो यही हो यही हो अब कोकटेल हो मत अब यार न खाए रहे यार न कोकटेल है तो मतलब खा है कहीं देखना उसको बंद कर दो स्टोर को बंद कर दो धीरे धीरे इतना जोर से नहीं खराब हो जाएगा हाजिर यो कालो कालो के तरिया की तरिया की ये बताएंगे अभी कौन सी सुशी है बताएंगे आपको सब कुछ बताएंगे गाइस यहाँ वीडियो लंबी जरूर हो सकती है पर आपके लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों प्रदीप गिलास निकल सर बहुत बढ़िया और बहुत ही अद्भुत यहाँ पर वीडियो देखने का बहुत ही आपको अद्भुत मौका मिल रहा है। इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर वॉच करें फुल वॉच करें आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में। मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो बनाई है बिना काटे लाइव वीडियो मैंने यहाँ पर बनाकर आपको दिखाया है और मैंने खुद भी इस वीडियो से बहुत सारा ज्ञान पाया है और बहुत सारी ऐसी प्लस पॉइंट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर देखने को मिला है जिस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी वो चीज़ भी मैं आज यहाँ पर देखने को मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसको देख लो अद्भुत मौका है अद्भुत तरीका है। मुझे यहाँ पर बहुत एक बेहतरीन सुशी देखने को मिला है
और आपने यहाँ पर देखा, और ये एक ये है, एक ये है, दो मेरे को सुशी मिले, सुशी वाओ गाइस गाइस, लाल शिमला मिर्च और पीला शिमला मिर्च और हरा शिमला मिर्च, ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन का डस्ट किया है इन्होंने डाला है शेफ ने, और ये डाला बहुत ही बेहतरीन, वाओ क्या मज़ेदार बनाया है देख लो, और ये चाइना कैबेज, चाइनीज़ कैबेज, और ये डाला शेफ ने, और लाल सॉस, ये देखो, एक हर किसी में एक अजूबा होता है, एक अद्भुत होता है जो कि मैंने शेफ के अंदर देखा है, और मुझे एक बहुत बढ़िया देखने का मौका मिला है। थैंक यू गाइस आपको वीडियो यहां तक देखने के लिए, वाओ 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गिलास है तेरे पास, गिर गए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर तपाईँले यो दुइटैलाई एकचोटि पक्रेर उम्मिन सक्नुहुन्छ, म तपाईँको फोटो ल्याइदिन्छु कि यहीँबाट पौडेर उमिन त दुइटैलाई, म तपाईँको फोटो ल्याइदिन्छु यहीँबाट, गाइस मैं सिनेमेटिक तो बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, मैं नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, पर जो है वही दुइटैलाई पौडिन त छ, म एउटा फोटो ल्याइदिन्छु, दुइटैलाई पौडिन दिनुहोस् त, म एउटा फोटो ल्याइदिन्छु सेफ गुरुजी, गुरुबा अलिकति उता हुन्, ल छ इसको ढक के रख देना जरा, मेरे को ये बाद में खाऊं पीऊंगा मैं, खुद तो उरो फुतो फुतो उरो, हाँ फुतो माकी उरो माकी, आप एक वो माकी बनाया था ना सेब अंडे का, अंडा इधर है, गाइस थैंक यू गाइस, मैं ये ले रहा हूँ ठीक है सेब, मैं ये खा रहा हूँ, ये कौन सा डिमसम है सेब, वेज वेज डिमसम, डिजाइन अलग अलग है, ओके सर एक और सुशी और बनाइए, हाँ जी बोलो सर, सर बोलो, चलो मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ हमारे मैनेजमेंट टीम के पास, ओके गाइस तो यहाँ पर ये कौन सा सॉस है सर, ये आपके सॉस है, मैंने ठीक है गाइस, ओके गाइस थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस।
ओके, थैंक यू वेरी मच इतना देर तक देखने के लिए।